हेलो फ्रेंड, फेमस टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि साहिबा की मौत की खबर सुनकर अजीत को लगा तगड़ा झटका, तो वहीं गुस्से में आग बबूला हुआ अजीत और सीधे पहुंचा बरार मेंशन। जी हां दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां साहिबा के मर्डर की न्यूज़ पूरे लुधियाने में बुरी तरह से फैल जाती है, तो वहीं साहिबा की मौत से मोंगा फैमिली के तो होश ही उड़ जाते हैं, ये सोच सोच कर कि अभी अभी तो लौटी थी मौत के मुंह से सिमरन को अपनी एक किडनी डोनेट करके, और उसके बाद खुद उसी के पति ने उसकी जान ले ली। जहां अजीत ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और गुस्से में बौखला जाता है और सीधे पहुंच जाता है बरार हाउस। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां अजीत पूरे बरार परिवार पर चीखते चिल्लाते हुए नजर आने वाला है, तो वहीं अजीत दारजी से ये सवाल करते हुए नजर आने वाला है कि दारजी बताइए मैंने कौन सी बड़ी गलती दी या मैंने कौन सा बड़ा गुनाह किया अपनी बेटी की शादी आपके पोते से करवा के। क्या मैंने अपनी उस मासूम सी बच्ची साहिबा की शादी क्या इसी दिन के लिए की थी? कभी कोई मेरी बेटी का जान का दुश्मन बन जाता है तो कभी मेरी बेटी आपके परिवार की खुशी के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी देने को तैयार हो जाती है। क्या मेरी बेटी की जिंदगी का कोई मोल नहीं? क्या उसकी जिंदगी इतनी सस्ती है? वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां दारजी अजीत को संभालते हुए और शांत कराते हुए नजर आने वाले हैं और ये कहते हुए नजर आएंगे कि साहिबा हमारी बेटी जैसी थी, हमने ये कभी नहीं चाहा था जो आज ये सब उसके साथ हुआ है। तो वहीं सीरत अपनी ओवर स्मार्टनेस दिखाते हुए बीच में बोल पड़ती है कि पापा अब जो होना था वो हो गया, अब इन लोगों पर गुस्सा दिखा के या बुरा भला बोल के क्या हो जाएगा। जहां सीरत की बातें सुनकर अजीत काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सबके सामने सीरत के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और ये कहते हुए नजर आता है कि शर्म कर बेशरम, तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही? एक तो तूने मेरी बेटी का घर तोड़ा और दूसरा तुझे उसकी मौत से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उल्टा मुझे शांत रहने को बोल रही है। मुझे सब पता है, ये सब कुछ तेरा ही किया धरा है, तूने अपनी ही बहन का घर तबाह किया है। अरे तेरी जैसी बेटी होने से तो अच्छा था कि तू मेरी बेटी ही ना होती, तू तो बेटी और बहन दोनों के नाम पर एक बड़ा कलंक है। तो वहीं दोस्तों अजीत की कड़वी बातें सीरत के लिए सुनकर पूरा का पूरा बरार परिवार शॉक्ड हो जाएगा और सबके सामने आ जाएगा सीरत का घटिया चेहरा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।